हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अबाउट डस्ट ऑफ स्नो एंड द पोएम इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट नाम हम लोगों ने सुना है, एज इन प्रीवियस वीडियो हमने इन्हें डिस्कस किया था। ही इज द कंपोजर ऑफ द रोड नॉट टेकन ऑल्सो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज एन अमेरिकन पोएट जो बहुत ही सिंपल और नॉर्मल लाइफ इवेंट्स के बारे में लिखते हैं, एंड ही हैज़ रिसीव्ड द पुलित्जर प्राइज फॉर पोएट्री ऑल्सो। सो वी कैन इमेजिन हाउ वर्दी हिज पोएट्रीज मस्ट बी। अब हम बात करते हैं अबाउट डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो एक ऐसी पोएम है जो बहुत ही सिंपल मोमेंट के बारे में बताती है और उन सिंपल मोमेंट्स का किस तरह से एक बड़ा सिग्निफिकेंस हमारी लाइफ में हो सकता है, ये हमें ये पोएम बताती है। जब हम पोएम पढ़ना शुरू करते हैं, जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें पोएट ने क्रो और हेमलॉक ट्री को मेंशन किया है। यहाँ पे जो क्रो है वो बैड ओमेन को सिंबलाइज करता है और हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है। मतलब जो दोनों ही चीज़ें हैं वो डिप्रेशन और सोरो को सिंबलाइज करती हैं, और इन दोनों चीज़ों को देख के हम इमेजिन कर सकते हैं कि द पोएट वॉज नॉट इन गुड मूड, और उनके अंदर की जो निगेटिविटी और डार्कनेस है उसे ही उन्होंने इस पोएम में प्रेजेंट किया है, द बिटर साइड ऑफ हिज मूड। फिर सेकंड जो स्टेंजा है, सेकंड स्टेंजा में वो उनके चेंज ऑफ मूड के बारे में बताते हैं, और जो चेंज ऑफ मूड होता है वो बहुत ही छोटी सी चीज़ की वजह से होता है। दैट इज़ वाई ये जो पोएम है, ये जो हमारे डेली के अकरेंसेस हैं, जो सिंपल सिंपल इवेंट्स होते हैं, उनका एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट किस तरह से हो सकता है ये हमें डिपिक्ट करती है। ओके, द फर्स्ट स्टैंजा। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। क्रो और हेमलॉक ट्री, जो पोएट है वो थोड़े से दुखी हैं, वो डिस्पेयर में उनका दिन जा रहा है, ही इज अपसेट नॉट इन गुड मूड, और वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए हैं। जिस ट्री के नीचे वो बैठे हैं वहाँ एक कौवा आकर बैठता है, और उसके आने की वजह से एक शेकिंग होती है और थोड़ा सा डस्ट ऑफ स्नो जो है वो पोएट पे आकर गिर जाता है। शुक जो आप देख रहे हैं सेकेंड लाइन में, शुक जो है वो शेक का सेकेंड फॉर्म है जो हम सिंपल पास्ट में यूज करते हैं। सेकेंड स्टेंजा बोल रहा है, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट। जो स्नो उस क्रो की वजह से मुझ पे गिरी थी, उसने मेरे जो डिप्रेस्ड और सोरोफुल मूड था उसको चेंज कर दिया, और मेरा जो दिन पूरा रिग्रेट में जा रहा था, रूट का मतलब होता है अ डे गोइंग इन रिग्रेट, तो मेरा जो दिन पूरी तरह से रिग्रेट और दुख में जा रहा था वो उसी तरह से स्पेंड होने से बच गया, एंड वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचने लगे। सो ये बहुत ही सिंपल कंपोजिशन है, इट ओनली हैज टू स्टैंजास। फर्स्ट स्टैंजा हमें नेगेटिविटी के बारे में बता रहा है, और सेकंड स्टैंजा हमें ये बता रहा है कि किस तरह एक छोटे से इवेंट ने पोएट के मूड को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। अब हम देखते हैं कि इन दो स्टैंजास में कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच फ्रॉस्ट ने यूज़ किए हैं। पहला फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफॉर। मेटाफॉर होता है कंपेरिजन ऑफ टू थिंग्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, पोएट हैज कंपेयर्ड फॉलिंग ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री टू डस्ट। जो स्नो फ्लैक्स थे उनका कंपैरिजन उन्होंने डस्ट के साथ में किया है। तो पहला फिगर ऑफ स्पीच जो हमें पोएम में दिखता है वो है मेटाफॉर। दूसरा फिगर ऑफ स्पीच एलिटरेशन। एलिटरेशन होता है कि एक ही लाइन में जब कोई कॉन्सोनेंट रिपीट होता है, जैसे हैज गिवन माई हार्ट एक लाइन है और इसमें एच कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन हो रहा है। सेकेंड एंड सेव्ड सम पार्ट, एस कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है। तो दूसरा जो फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर यूज हुआ है वो है एलिटरेशन।
Fine? Let's see the question NCERT has given for discussions. The first question is, what is a dust of snow? What does the poet say has changed his mood? How has the poet's mood changed? तो dust of snow क्या था? जो dust के particles थे, उन्हें dust of snow बोला गया है यहाँ पे. और change जो mood था, वो किसकी वजह से change हुआ था? The falling of dust of snow, जो उनके ऊपर dust of snow गिरा था, उसकी वजह से उनका mood change हुआ था. और मूड में चेंज क्या था? पहले वो सैड थे, बहुत गिल्टी रिग्रेट में उनका दिन जा रहा था. एंड जैसे ही उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरा, उनका जो डिस्पेयर्ड मूड था वो चेंज होकर पॉजिटिव हो गया. फाइन. सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछता है, हाउ डज पोएट रिप्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम? तो नेचर का यूज पोएट ने कुछ इस तरह से किया है कि सबसे पहले स्टेंजा में उन्होंने जो बर्ड और जो ट्री यूज किया है, वो दोनों उनके नेगेटिविटी, मतलब उनके माइंड की जो कंडीशन थी, दैट वाज कम्प्लीटली डिस्पेयर्ड एंड सोरोफुल, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और उसके बाद में उन्होंने फॉलिंग ऑफ स्नो को रिप्रेजेंट किया है, जिस जो कि ये प्रेजेंट कर रहा है कि एक छोटा सा इवेंट उनके माइंड को कैसे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डाइवर्ट कर देता है. ओके. एंड जो क्रो और हैमलॉक ट्री है, तो क्रो जो है वो बैड ओमेन, मतलब अपशगुन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड हैमलॉक ट्री डेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके. और जो डस्ट ऑफ स्नो है, वो छोटे छोटे जॉयफुल मोमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है. नाउ द लास्ट क्वेश्चन दैट यू पीपल हैव टू आंसर ऑन योरसेल्फ, दैट इज, हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस? हैव यू एक्सपीरियंस्ड अ सिमिलर मोमेंट दैट चेंज्ड योर मूड दैट डे? मतलब यहाँ आपसे आपका एक लाइफ एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है कि क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आपको इतना ही डिप्रेशन और होपलेसनेस फील हुई हो, और उस टाइम पे ऐसा क्या था जिसने आपका मूड कम्प्लीटली चेंज किया हो. सो दीज वर द क्वेश्चंस दैट द बुक्स आस्क, एंड इट वॉज द पोएम विच वॉज वेरी सिंपल कंपोजिशन, येट a big message was there in this. So I will be coming up with the remaining poems also. Keep watching and don't forget to like, share and subscribe. Stay home, stay safe, take care, bye bye.